नीतीश कुमार के कैरेक्टर को मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि हमाम में सब नंगे। मैंने सीधा बोल दिया मेरी इच्छा इंडिया के साथ रह के चुनाव लड़ने की है। कब मारेगा हमको कहना मुश्किल। शूटर लोग, कल जो मर्डर हुए, कल जो गोली चलाई गई जिसमें क्रिमिनल आया और बोला कि मुझको एक थार गाड़ी तुम दे दो नहीं तो गोली खाओ। हत्या में किसी जाति को आप नहीं लीजिए। आप नीलेश यादव की मुखिया की हत्या हुई, हत्या किसने करवाया, कौन लोग हैं बोलो? दबंग लोग किसी की दुकान कब्जा तो कर ही रहा है ना। जमीन के चलते शाही जी की हत्या हुई ना। सारे पदाधिकारी अब जो गोली चाल कांड हुआ SDO बारसोई में और DSP, ये वही SDO है जो पूर्णिया में बच्चा जेल में बच्चा के साथ बलात्कार किया था। नमस्कार, न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार से एक खबर आई, इस खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। आज बिहार में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रहार हुआ है, उसके प्रहरी पर प्रहार हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के अररिया जिले की, जहां पर एक पत्रकार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। और देखिए, अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद है कि उनके घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। और इससे भी हैरत की बात यह है कि ठीक 4 साल पहले इसी घर में एक और शख्स को अपराधियों ने निशाना बनाया, उन्हीं के भाई को, और इसी मर्डर मामले में, इसी केस में ट्रायल होना है इसी अगस्त महीने में, और उसे ठीक पहले इस वारदात के मुख्य गवाह जो रहे हैं विमल कुमार यादव, पत्रकार विमल कुमार यादव, दैनिक जागरण अखबार के बहुत ही निडर पत्रकार थे, और आज उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। तो इसी बात पर और खास तौर पर बिहार के बारे में कहा जाता है, कई स्लोगन आप सबकी जुबान पर जरूर होंगे, रटी रटाई हुई बातें हैं बिहार में काबा। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए यही सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में काबा। और सबसे बड़ी बात है, जिस सुशासन के लिए जाने जाते हैं, सुशासन बाबू का दर्जा दिया गया है सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, वो कहां है और उनका सुशासन कहां है? कल ही दिल्ली से लौटते समय उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में जो हालात है क्राइम को लेकर, वारदातों को लेकर, इस मामले में बिहार तो कहीं ज्यादा बेहतर है। तो क्या यही बेहतर है? क्या चाहते नीतीश बाबू कि बिहार में जब तक खून की नदियां नहीं बहेंगी तब तक वो नहीं अपना स्लोगन चेंज करेंगे कि बिहार में बहार बा? नहीं नीतीश बाबू, बिहार में बहार नहीं है, बल्कि अगर बहार है किसी के लिए तो शायद अपराधियों के लिए है। गौर करने वाली कई बातें हैं, कई सवाल हम उठाएंगे, और इस खास मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं सपा और राजद के पूर्व सांसद और फिलहाल जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, मौका नहीं है कि हम आपका स्वागत करें, हमारे एक साथी की हत्या हुई है, आज सुबह ही उनकी जान ले ली है बदमाशों ने, और सोचिए जरा आपको भी वो बयान नीतीश। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका रिएक्शन लेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए पप्पू यादव जी कि कल ही नीतीश कुमार बोल करके गए हैं कि बिहार की हालत तो कई राज्यों के मुकाबले में बहुत सही है क्राइम रेट के मामले में, आप क्या कहेंगे बिहार में? देखिए, आप यदि आप मणिपुर को याद, देखिए मैं नीतीश कुमार जी ने जो बात कही, सवाल कम और ज्यादा का नहीं है। नीतीश जी का संकल्प अपराध मुक्त है, भट्टी जी को लाए, भट्टी जी ने संकल्प भी लिया, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि राइफल तो दी गई है, कारतूस उनको नहीं दिया गया। कौन है उनके नीचे? एक तो देखिए, दो तीन बात सिर्फ यह कहना कि बिहार में पत्रकारों की हत्या, या दो दिन पहले पुलिस वालों की हत्या हो गई, हत्या तो डेली, अभी मैं मधुबन जा रहा हूँ जहाँ एक बच्चों की हत्या कर दी गई, जहाँ हमारे कई बच्चियाँ MBA में, ईसा सिंह गायब है, 7 महीने से उसको किडनैप करके भेज दिया गया है मुजफ्फरपुर में, वो नहीं लौटी, खुशी पासवान को मार दिया गया मेडिकल कॉलेज की। आप जब देखेंगे कल मुजफ्फरपुर में 95% बाजार लोगों ने बंद किया, सभी व्यवसायियों ने बंद किया है। एक सवाल नरपालगंज के दरोगा का है, और कल वहीं पर जो घटना आज बिमल जी की घटी, कल एक भगत की गोली मार करके, इसको दो संदर्भ है इसका,
कल जो मर्डर हुए, कल जो गोली चलाई गई जिसमें क्रिमिनल आया और बोला कि मुझको एक थार गाड़ी तुम दे दो नहीं तो गोली खाओ, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं थार कहां से दूंगा, तो बोला गोली खाओ, और गोली मार के मारने का प्रयास किया। सबने फोटो देख लिया, इन्होंने बड़े परिपेक्ष में बड़े कड़े शब्दों में यह शब्द लिखे, तो एक परिपक्ष यह भी है कि गोली उसने आकर के सुबह मार दी। दूसरा परिपक्ष, जब उसके भाई गब्बर को मारा गया था तब हम इसके गांव गए थे, जिसमें एक बउआ नाम का क्रिमिनल था जो मारा गया, उसकी उन लोगों की गवाही आ गया है। परिपेक्ष दो है, इसमें आप किसी एक परिपेक्ष को अभी नहीं ले सकते कि कल जो घटना घटी हुई है जिस व्यापारी को रानीगंज में भगत को कल मारा गया जो पूर्णिया में एडमिट है, और आज पत्रकार को मारा गया। सवाल, पत्रकार कोई बम्बई में कितने पत्रकार मरे हैं, दिल्ली में भी मरे हैं, अन्य जगहों पर, पत्रकार एक जगह नहीं मरे हैं। सवाल पत्रकार का नहीं है, या सवाल मध्य प्रदेश का क्राइम रेट ज्यादा है कि बम्बई का, यह सवाल नहीं है। क्राइम रेट तो मणिपुर हो या मध्य प्रदेश हो, अब ये गाली गलौज करने से, राजनीति करने से वहां ज्यादा यहाँ कम, ये इस पर मैं ऐसे चीजों में विश्वास नहीं करता। सवाल ये है कि आप भी सिर्फ यह कहिए कि बिहार में ही पत्रकार मरे और जगह नहीं मरे, बिहार में आम लोग जो मर रहे हैं, इस पर मेरा सवाल दो है। एक सवाल है, समाज अपराधियों को प्रोटेक्ट करती है, किस जात के अपराधी ने मारा, किस जात के लोग मरे, किस जात की बेटी का बलात्कार हुआ, किस जात के लड़के ने बलात्कार किया, यह समाज सबसे पहले पूछती है। और राजनीति में ऐसी चीजों की कोई वैल्यू अब नहीं रह गई। सत्ता, लोगों का कहना, भ्रष्टाचार, जातिवाद, ऐसी चीजें। पप्पू यादव जी, आपके बारे में कहा जाता है जब आप बोलना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं है, लेकिन आपने खुद यहाँ पर जात पात की बात कह दी है, तो मैं भी आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, आपने भी गौर फरमाया होगा कि आरजेडी के जो कोर वोटर है उन पर बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, चाहे हम जिक्र करें इससे पहले कटिहार नरसंहार का, मुजफ्फरपुर में बीजेपी एमएलए द्वारा आरजेडी नेता तुलसी राय की बेरहमी से पिटाई की गई, अब मसला अररिया का भी आ गया है, तो क्या आखा सवाल है? एक बात समझिए, सवाल कोर ग्रुप का नहीं है, हार्ड कास्ट का नहीं है। बहुत सारे लोग मरे, कई सारे, दो दर्जन से अधिक मुखिया मरे, मुखिया को सुरक्षा नहीं दी जाती है। मैंने मुखिया के सवाल पर लड़ा जिसमें सबसे ज्यादा जादव और ओबीसी के लोग मरे। सिर्फ जादव की बात मत कीजिए, सासाराम और भभुआ में कांग्रेस के नेता को मार दिया गया, वो भी जादव, लालू यादव के नजदीकी को, प्रमुख को, पूर्व प्रमुख को मार दिया गया, वो भी जादव। छपरा में बहुत ज्यादा हत्या हुई, हत्या में किसी जाति को आप नहीं लीजिए। आप नीलेश यादव की मुखिया की हत्या हुई, हत्या किसने करवाया, कौन लोग हैं बोलो, अप्पू धप्पू, ये जो पैसा दिए ये कौन लोग है, क्या वो उसको सजा होगी? मैं आपसे ये बात, कुछ सवाल ये नहीं है। पटना में डेली हत्या हो रही है, मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है, इसको समझिए कि पॉलिटिकल पार्टी अपराधियों को टिकट या मनोबल क्यों बढ़ाती है। एक एक भारत जलपान है मुजफ्फरपुर में, वो एक बाबू साहब का है, उसको मंटू शंभू जो क्रिमिनल है वो कब्जा कर लिया, गोविंदा उसको कब्जा कर लिया। कल उसके फादर को जब हम बोले आइए बोलिए, तो उन्होंने मेरे कान में बोला कि मेरे बेटे को मार देगा यदि मैं बोलूंगा। अब आप सोचिए, दहशत सोचिए, कल्याणी के जमीन के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरूना बलात्कार को सीबीआई ने अभी तक, अब इंक्वायरी दी बिहार सरकार, तो सीबीआई आज तक क्यों उस मासूम बच्ची की बलात्कार के बाद कौन कौन थे, एक डीआईजी थे उस वक्त जो अभी बाबा बने हुए हैं, एक एमएलसी, एक जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष, सबकी मिली भगत से उस बच्ची की मौत हुई है, और अभी तक सीबीआई उस पर कुछ नहीं बोली। मानव तस्करी हो रही है मुजफ्फरपुर और कई जिलों से बच्चियों का। कल हाजीपुर के एक बच्ची को, कल 9 क्लास की बच्ची को टिकट कटवाया गया बेंगलोर से,
और यहां से लेकर के दिल्ली प्लेन के द्वारा उसको लेकर के यहां से दिल्ली चला गया और गायब है कल से। माँ बाप अभी मेरे पास आई कि मेरे बच्ची को बचा लीजिए, रो रहे थे। सवाल मेरा यह है कि जब राजनीतिक पार्टी एमपी एमएलए काटी काटी है, ये तुलसी राय भी और राजू जी के बारे में मत बोलिए, दोनों दबंग है। सवाल जी आम आदमी का आप हमसे करिए। कल मोतीपुर में एक राम की हत्या कर दी गई, मोतीपुर में, ठीक है, सीतामढ़ी में बच्चों की हत्या कर दी गई, तो आप इस सीक्वेंस में, मधेपुरा में 4 मर्डर हुए हैं कल, 4। मैं रात में जा रहा हूं पत्रकार के यहाँ, मैं रात में जा रहा हूं उस थानेदार के यहाँ भगत के परिवार में, मधेपुरा में 4 हत्या हुई, कल जाऊंगा मैं वहां। तो सवाल आप जाति का नहीं ले सकते, सवाल ओबीसी है। बापू जी सुनिए मेरी बात सुनिए। अभी जब हमने पूछा आपसे सुशासन बाबू को लेकर सवाल किया, अपनी गुड गवर्नेंस को लेकर के जाने जाते हैं, तो आपको ये बात चुभ गई और आप ही एक के बाद एक गिना रहे हैं। हाजीपुर की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, सीतामढ़ी की बात कर रहे हैं, अररिया की बात कर रहे हैं, तो किससे पूछे सवाल, किस पर आरोप लगेंगे? जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा ना। देखिए मैं एक बात यह नहीं कर, मैं तो आपको कहा कि मध्य प्रदेश में हो रही है कि एनडीए की सरकार में, ये दोषारोपण की बात नहीं है। मेरे यहाँ कम हो रहा है, उनके यहाँ ज्यादा हो तो रहा है ना, हो तो रहा है ना, बेटी गायब तो हो रही है ना, दबंग लोग किसी की दुकान कब्जा तो कर ही रहा है ना, जमीन के चलते शाही जी की हत्या हुई ना, उसके पहले समीर को मारा गया ना, लेकिन यही मर्डर समीर की हत्या में जेल नहीं गए, बाहर से बेल ले लिया, लेकिन भट्टी जी के रहते यह संकल्प भी तो नीतीश का ही है ना कि भट्टी को यहाँ लाए, लेकिन भट्टी जी के रहते मंटू शर्मा और गोविंदा दोनों गिरफ्तार हुआ। अब शूटर लोगों को लगता है दबंग लोगों की कि पप्पू यादव मेरे खिलाफ इतना क्यों है, कल के दिन हम ही को टारगेट कर ले ये लोग, क्योंकि अपराधी और माफियाओं के खिलाफ कोई बोल तो रहा नहीं है। मुजफ्फरपुर में मैं सड़कों पर हूं, हर बेटियों को लेकर के मैं आवाज उठा रहा हूं, हर मर्डर में समीर की बात मैं नहीं उठाई थी कि कौन है ये दबंग लोग जिसने समीर को मरवाया। फिर इस साई जी के की घटना में मैंने ये सवाल पूछ किया, लाइनर के बारे में मैंने बोला, मंटू गोविंदा के बारे में मैंने बोला, जलपानगिरी के बारे में मैंने बोला। ये प्रशासन, ये जो एसपी है, डीएसपी है, दरोगा है, ये बालू शराब जमीन, इसमें यही लोग नहीं है, इसमें माफिया है। एमएलसी का टिकट बीजेपी ने बालू माफिया को दिया, 3-3 टिकट, हर पार्टी वही करती है। इसमें इन्वॉल्व है नेता का पैसा इन्वॉल्व है, डीएसपी इंस्पेक्टर का फोकलेन हैवा इन्वॉल्व है, और इन लोगों को पैसा वसूली से फुर्सत नहीं होता है। शराब जो सही लोग हैं उसको शराब में जेल में बंद कर दो, एक सरपंच को बंद कर दिया शराब में, वहां के मनोज सिंह को प्रताड़ित किया जब लोगों ने विरोध किया गलत आदमी का, तो वहां के तो स्थिति इतनी बुरी है आप सोच नहीं सकते हैं। नीतीश बाबू ने निर्णय सही लिया, लेकिन जो निचले पदाधिकारी है, जो लगभग कुछ पदाधिकारी तो एनडीए के बीजेपी के वहां सीटा के, अब वो लोग वहीं बैठे हुए हैं जो एनडीए की सरकार में थे, कुछ पदाधिकारी को बालू शराब जमीन के माफियाओं से फुर्सत नहीं है, सारे पदाधिकारी अब जो गोली चाल कांड हुआ एसडीओ बारसोई में और डीएसपी, ये वही एसडीओ है जो पूर्णिया में बच्चा जेल में बच्चा के साथ बलात्कार किया था, ये सस्पेंड हुए थे और इसको बारसोई का एसडीओ बना दिया गोली चलाने के लिए। वहां के डीएसपी बारसोई में 5 जमीन खरीद लिए और उन पर कोई इंक्वायरी नहीं, निगरानी नहीं। तो इसमें नीतीश, जब समाज ही अपने
क्रिमिनल को प्रोटेक्ट करेगी, ये राजपूत का नेता, ये जाधव का नेता, ये भूमिहार का नेता, तो एक तो पॉलिटिकल पार्टी मजबूर लगता है जीतेंगे कैसे, तो हम में सब नंगे, पैसा माफिया पैसा अनिलों के पास 300-400 करोड़ कमा लिया बालू और जमीन में, पैसा यही खर्च करेंगे, वोटर इन्हीं को वोट देगा, तो वोटर के बारे में आपका क्या कहना, ये क्या है दूध के धुले, ये लोग अच्छे लोगों को वोट देते हैं, ये लोग अपने जाति के माफिया को वोट देते हैं, ये लोग अपने जाति के क्रिमिनल को वोट देते हैं। आप भी करीब करीब रणदीप सुरजेवाला की तरह बयान देने को आतुर हो गए पप्पू जी। सर रणवीर सुरजेवाला आज बोलते होंगे, मैं 90 से बोल रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ सड़कों पर, मैं 83 में मुखिया बना था, तब से लेकर 40 साल हमको हो गए, और 40 सालों में आपने कोरोना बाढ़ से लेकर सेवा भी देखी, सेवा आश्रम भी देखा, और हर लोगों के लिए लड़ते देखा है मुझे, कोई देश नहीं देखा, दुनिया नहीं देखा। पप्पू जी एक सवाल है, आप बिल्कुल सीधा और तीखा बोलने के लिए जाने जाते हैं, ये बताइए नीतीश बाबू के लिए इतनी नरमी क्यों, एक अलग सा सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा है आपकी बातों में शुरू से लेकर के अभी तक। नीतीश कुमार जी के लिए कोई नरमी है या अच्छी बात, आप बुरी बात नहीं है, नीतीश कुमार एज ए मैन, एज ए पॉलिटिकल, उनके खून जहन में इन सब सारी चीजों की दूर दूर तक, सांप्रदायिकता, क्राइम, भ्रष्टाचार, सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, और उसमें अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई है, अकाउंटेबिलिटी तय किस पर होगी, मुख्यमंत्री पर, डीजी पर, एसपी पर, कि या सिस्टम को, मैं जो ये सबसे ज्यादा घून लग चुका है नेताओं में, ये जो नेता जो पाप और कुकर्म करते हैं, जिसके चलते आज स्थिति उंगली उठ रही है नीतीश बाबू पर, ये जो दल के वर्कर हैं, जो माफिया बन करके दल को भून के तरफ बर्बाद कर रहे हैं, जिसके चलते नीतीश कुमार, मैं ये नहीं कहता हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है वो बच जाएंगे, उन पर उंगली नहीं उठेगी, लेकिन नीतीश कुमार के कैरेक्टर को मैं जानता हूं, इसीलिए मैंने कहा कि हमाम में सब नंगे, जो हालात हैं, ये सिस्टम कौन बनाता है, सिस्टम कौन बनाता है। अक्सर सरकार को बचाने की कोशिश होती है सिस्टम की आड़ में, सिस्टम किससे है, सिस्टम चलाता है, बीडीओ को ले जाता है एमएलए, सीओ को ले जाता है एमएलए, एसपी डीएम को मुख्यमंत्री जी बदलते हैं, तो दोषी तो होंगे, उंगली तो उठेगी जब एसडीओ गोली चलाकर। बिल्कुल देखिए सवाल उठ रहे हैं, हर कोई जानना चाह रहा है। अब देखिए इंडिया और एनडीए की फाइट तो शुरू हो गई है, चुनाव से पहले ही दोनों आमने सामने हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि पप्पू यादव किधर जाएंगे, इंडिया का रुख करेंगे या फिर एनडीए का, हालांकि आपकी बातों से बहुत कुछ साफ हो चुका है, आपने लगातार बीजेपी शासित राज्यों की बात की, सवाल उठाए क्राइम को लेकर के, आपने एक भी नॉन बीजेपी गवर्नमेंट वाले राज्य के बारे में कुछ नहीं पूछा। देखिए मैं एक बात पूछूं, मैंने तो कहा कि सवाल वहां बड़ा क्राइम है, यहाँ छोटा, वहां ज्यादा यहाँ कम, इस पर हम बहस नहीं, वहां भ्रष्टाचार ज्यादा है मेरे यहाँ कम है, ये सवाल ही नहीं है ना, मर्डर हो रही है ना, बच्चियां गायब हो रही है ना, बच्ची मारे जा रहे हैं ना, बलात्कार के शिकार छोटी छोटी बच्चियां हो रही है ना, मर्डर तो हो ही रहे हैं, राजधानी पटना में दर्जनों मर्डर होते हैं, मैं ये कहां कह रहा हूं, जहां तक अब इसमें अभी इस सवाल में इंडिया एनडीए, तो मेरा आप जानते हैं मैडम कांग्रेस में मेरी आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी बिल्कुल सेकुलर, कोसी सीमांचल के बारे में आपको पता है, मिथिला के बारे में वो किस तरह की राजनीति, वहां नफरत की राजनीति और जाति की राजनीति ज्यादा होती है, नफरत की कम, जातीय राजनीति में पप्पू यादव का कोई वैल्यू है नहीं, हम तो डगरा के बैगन हो चुके हैं, कोरोना में भी दुनिया को दो,
बाढ़ में भी दो, हर मर्डर में पैसा दो, हर बलात्कारियों को भी मारो, हर माफियाओं के खिलाफ गोली खाने को तैयार हो जाओ। कब मारेगा हमको कहना मुश्किल, शूटर लोग। और उसके बाद जाति यदि हम नहीं है, और सभी जाति के लिए मैं जीता हूं, इसी सिंह भूमियार है, शाही जी भूमियार है, समीर भूमियार है, क्यों मैं जाति करूं, क्यों मैं जाति करूं। छपरा में राजपूत यादव का झगड़ा हुआ, राजपूत समाज में भी 1,00,000 रुपया जाके दिए। हर जगह मैं हर जात को पहुंचाता हूं, लेकिन राजनीति का जो रंग है, या तो हिंदू मियां का है, या तो बैकवर्ड फॉरवर्ड का है, या तो जात का है, और उसमें पप्पू यादव पिछड़ जाता है। तो हमको कहीं जो हिंदी पट्टी की राजनीति है, साउथ नॉर्थ को छोड़ दूं, तो उसमें जाति जहर बना हुआ है। हमेशा मैं वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ रहा हूं, और राजा है ये लोग, तय करना नीतीश लालू और कांग्रेस को है। उसमें मैंने 3 में न 13 में जनता भाग विधाता है, मैंने जनता को हमेशा भगवान माना, 1 मिनट सोता नहीं हूं, 38 साल से 2 घंटा भी नहीं सोया हूं, 900 किलोमीटर 600 किलोमीटर डेली चलता हूं, 83 से लोगों को हर दिन 1,00,000 रुपया बांट देता हूं, कम से कम। इस मामले में आपने तो मोदी जी को भी पीछे छोड़ दिया पप्पू जी। मोदी जी अपने बाबू के घर से कभी पैसा दिए हैं? हाँ? मोदी जी नाना के घर से दिए हैं, पप्पू यादव अपने घर से दिया है, अब मोदी जी दिए हैं सरकार का किसी का पैसा दिए होंगे? मोदी जी को पीछे छोड़ दिए, मोदी जी पीएम के कुर्सी पर बैठ के दिए होंगे? मैं बिना एमपी एमएलए के कोरोना में 34 करोड़ रुपया दिया, बिना एमपी एमएलए के बाढ़ में हर घर पर पैसा पहुंचाए। वो तस्वीरें सबने देखी है पप्पू जी, बाढ़ में किस तरह से जो सत्ता में बैठे लोग थे उन्हें भी अपना घर छोड़ना पड़ गया था। बिल्कुल देखा, कोरोना में भी देखा, बाढ़ में भी देखा, और पूरे देश के लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है। आप वाकई आपने उस दौरान काबिले तारीफ काम किया है, लेकिन आपने अभी भी सीधा सीधा नहीं बोला इंडिया या फिर एनडीए। सर सीधा सीधा मैं बोल दिया, मैंने सीधा बोल दिया, मेरी इच्छा इंडिया के साथ रह के चुनाव लड़ने की है। अब वो हमें रखेंगे नहीं तो हम जनता के बीच न जाके पूछेंगे? तो देखिए, पता नहीं पप्पू यादव के डिजिटल प्लेटफॉर्म से बड़ा ऐलान कर दिया है पप्पू यादव ने कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है पप्पू जी, हमें ये बताइएगा, जैसा कि आपने अपनी पत्नी के बारे में कहा, रंजीत मैम के बारे में आपने कहा कि छत्तीसगढ़ का रुख उन्होंने कर लिया है, अब सुपौल से कौन लड़ेगा? सुना है कि ऑफर है आपके पास महागठबंधन की तरफ से सुपौल से लड़ने के लिए, लेकिन आप लड़ना चाहते हैं पूर्णिया से, लेकिन वहां पर चलेगी तो ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी मुझे मेरे तक कोई जानकारी नहीं है। बिहार में हम लड़ना चाहते हैं पूर्णिया से, मधेपुरा, पूर्णिया मेरी जमीन है, वहां से बिहार में जहां से इंडिया लड़ना चाहेगी मैं वहां से लड़ूंगा। चलिए, आपने पत्ते तो खोले, पूरे पत्ते नहीं खोले, कुछ बचा के रखे, कोई बात नहीं, अगली बार भी जब आपसे जुड़ेंगे आपके साथ तो इसी प्लेटफॉर्म से बड़ा ऐलान आपसे करवाएंगे, सबसे पहले इसी प्लेटफॉर्म से। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए पप्पू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं, आप जहां से चाहते हैं वहां से चुनाव लड़ पाए और जनता के बीच जनता के लिए लड़ाई लड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।